बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DNN न्यूज और मैं हूँ गुलाम जहरा। अब रुख करते हैं खबरनामे की तरफ। एक्स्ट्रा स्पेशल विद नेस्ली मिल्क पैक क्रीम। सियालकोट से आपको आगाह करते चलें। सियालकोट में नजायज तजावजात की भरमार, शहरी परेशान। तजावजात की भरमार से ट्रैफिक की रवानगी में काफी मुश्किलात। ADCR और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने दफ्तर से गायब। शहरियों का DC सियालकोट से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट सरदार बेगम चौक के आगे, जहाँ पर तजावजात भरपूर मार है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाता चले तो आप देख सकते हैं कि सियालकोट में हर जगह तजावजात के खिलाफ भरपूर है। ADCR और TMA का हमला, जो कि अपनी ड्यूटियों से बिल्कुल गायब है, उनको उदारा अगर टाइम मिले तो अवाम का कहना है कि ADCR साहब, आप दफ्तर से बाहर आकर जरा अवाम का परेशानी हाल भी देखें। और दूसरी तरफ DCO सियालकोट से भी लोगों को इल्तमास है कि उदारा DCO साहब, आप ही ADCR साहब से फौरी नोटिस लें और उनको हुक्म जारी करें। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म जारी किए हुए हैं कि तजावजात के खिलाफ बिल्कुल ऑपरेशन होना चाहिए, कोई नजायज तजावजात ना हो। यहाँ के सियालकोट का कोई हिस्सा ना, मैं आपको बताता चलूं, सियालकोट का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर तजावजात के खिलाफ काम हो ही नहीं रहा और लोगों का गुजरना ही बहुत मुश्किल है, जिसके बारे में लोग परेशान है। उदारा DC सियालकोट से फौरी नोटिस की अपील की जाती है आवाम को। जी बहुत शुक्रिया अमरान अशरफ तफसीलात से आगाह करने का। इतना ही, मजीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए।